नहीं नहीं ओए ये मुझे डरना नहीं है। स्टेला ओए, अभी हम लोग ऊपर जाने लगे हैं, जर्मन शेफर्ड्स हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रॉयल ज़ू, दिस इज मी हसन एंड दिस इज मी हुसैन। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल फैंटास्टिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग डे। सो गाइस, आज हम आ गए हैं एक टेम्ड लाइन के पास जिसको आज जाएंगे टच भी करेंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा है, तो अब चलते हैं आपको लाइन दिखाते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को मस्त प्रेस करें। अभी हम लोग जाने लगे हैं अंदर लाइन के पास, आप ये देख सकते हैं ये केज है और केज के अंदर हसन भाई हम लोग सारे ऐसे ही केज के अंदर एंटर हो चुके हैं। और वो देख सकते हैं आप सामने ये लाइन जिसको हम लोग अभी देखें अपने हाथों से टच करने वाले हैं। बैठता हूँ पहले मैं इसके पास, ये देखते हैं मुझे कुछ कहता है या नहीं। ओए इसका नाम क्या है इसका? स्टेला। तो गाइस ये बहुत ही प्यारा लाइन है, इसको देखिए जरा, लाइनस है। नहीं पा रही है। इसका फेस पे टच कर सकते हैं? नहीं, फेस को नहीं टच कर सकते, लेकिन इसको पीछे से कुछ भी नहीं कर फेस मूव करा नहीं दो, ऐसे ही है ना। देखो मैं इसको ऊपर बैठे कुछ भी आपने नहीं उठना, डरना भी नहीं, ठीक है? मुझे ये लगेगा कि फेक है, तेरा इतना बड़ा मुंह है, ये तो इसने मुझे डरा दिया। और ये टेम्ड है। सो गाइस, मैंने भी एक बार सोचा कि मैं भी इसके पास बैठूं और इसको टच करूं। कुछ भी नहीं कहता, ये टेम्ड है। और गाइस ये टेम्ड है और सीरियस है, कुछ नहीं गया पास जाकर ये लेके बैठे हसन बैठे इसके पास। ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, ये टेम्ड है और इसके नेल भी कटे हुए हैं। हाँ, और इसलिए हम लोग इस सिक्योर जगह पे आए हैं। सो गाइस, इसी के साथ मैंने आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था कि आप लोगों ने हमें इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है कि हमारी जो पिछली प्रीवियस वीडियो है उसके ऊपर हम लोगों को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। लव यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक्स यू सो मच। तो इसी के साथ आप लोगों को भी साथ साथ और भी चीजें दिखाते हैं, वो भी हैं। तो लेट्स गो, अभी स्टेला देखें। तुझे कहा था कि भागना नहीं है, पता नहीं है यार, रिएक्शन देखा मैं मुझे तो लग रहा है कि वो कुर्बानी के बैठे को मैं कर रहा हूँ। और डॉग्स इसकी एज कितनी है? अभी छोटी है। तो ये कितना खाती है एक दिन का? स्टेला ये अकेली है, असल में इसकी नस्ल ये शेर की है ना, कि उसने हमला करना ही होता है। हाँ, उसने करना ही होता है, मतलब उससे में आ रही है ना, ये एग्रेसिव भी होती है कभी के नहीं। स्टेला स्टेला इसे इब्राहिम कुछ नहीं, कुछ नहीं इब्राहिम, इब्राहिम आप इसे रखो। स्टेला क्या कर रही है? ए नहीं डरे हुए हैं जाएं, पीछे हम पहले डरना नहीं, उसे डरे कि फिर वो जानवर ट्रैक कर। इस टाइम मुझे तो लग रहा है डर। स्टेला अगर तूने मुझे कुछ कहा ना मैं तुझे मारने चले गए। डरो ना बस, अमीर भाई अंदर तो आए नहीं, अंदर आए एक मिनट, अमीर किधर आ रहे हैं? सो गाइस, ये है तो बहुत ही प्यारी, लेकिन ये है दरिंदा ही कहते हैं इसको, तो डराती है। देखो ये देखे पंजे से आगे होती। इसने खाना खा लिया होगा अभी? स्टेला 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 स्टेला
इसका पार्ट क्या आएंगे कि ये नहीं इसको वेट को वाले उसके बच्चे का ज्यादा कितनी देर तक 3 माह नहीं अभी कितनी एज में मतलब 2 ईयर बाद आ जाती है लिमिट पे थी मैंने स्टेला आवाज देख रहे हैं आप इसकी कैसे है और हम लोग भी इसके इर्द गिर्द खड़े हैं मैं ये देख ले ये देखें मैं ये देखें ये खड़ा हूँ लो जी स्टेला अपने तख्त पे चढ़ने के लिए इब्राहिम स्टेला ए स्टेला लो जी ये देखें जाने लगे हैं जर्मन शेफर्ड्स हैं उनके साथ आपको उनको मस्ती दिखाते हैं। स्टेला ने तो मतलब वो मुझे लग रहा था कि काफी ड्रोनी है तो मैंने उसके साथ इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला करने की कोशिश नहीं की क्योंकि अगर वो अटैक कर देती तो फिर मैं इसलिए मैंने ओ जर्मन शेफर्ड वाओ और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ देखे कि ब्लैक जर्मन शेफर्ड है और यहाँ पे एक व्हाइट जर्मन शेफर्ड भी है उसके अलावा गाइस यहाँ पे स्मेल से मेरा भी बड़ा बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे एक ये व्हाइट कलर का एक और भी अभी आपको निंडर मार्केट के लिए हां तो अब बोलने लग गया इतनी ज्यादा स्मेल के मेरे से बर्दाश्त नहीं थी हो सकते बहुत ज्यादा अंदर स्मेल है जिस वजह से ये हालत हो गई है इसकी भी हालत बहुत बुरी हो गई मुझे नहीं था पता कि डॉग से इतनी ज्यादा स्मेल आती है कि उनके पास भी नहीं हम खड़े हो सकते मैं तो यहाँ पे डॉग्स रखे हुए हैं उन्होंने ये उनके केजेस हैं वो सारे डॉग्स हैं इनकी बहुत ही ज्यादा स्मेल है इसके अलावा हमने आपको यहाँ पे लाइन दिखाया आपको एक बार लाइन का केज दोबारा बाहर से दिखाते हैं उसके बाद हम करेंगे व्लॉग को एंड सो गाइस यहाँ पे एक बार दोबारा लाइन के पास आए हैं स्टेला स्टेला क्योंकि गाजिस ने एक बार अटैक कर दिया इस वजह से इससे हमें अब डर लग रहा थोड़ा हाँ स्टेला सो गाइज इसी के साथ कर रहे हैं अपने व्लॉग का एंड लेकिन एंड करने से पहले आपका बहुत ज्यादा एक बार दोबारा से अगेन से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम लोगों को आपने इतना प्यार दिया लेकिन आप वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह